नमस्कार दोस्तों, डी इन्फो टाइम में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम सप्ताह की शीर्ष 5 भारतीय रक्षा समाचारों का पता लगाएंगे। शुरू करने से पहले, यदि आप भारतीय रक्षा पर नवीनतम समाचार जानना चाहते हैं तो कृपया अधिसूचित होने के लिए डी इन्फो टाइम की सदस्यता लें। दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक SEBEX-2। इंडियन नेवी ने एक नया विस्फोटक विकसित किया है और इसे मंजूरी भी दे दी है, जो कि मानक TNT से 2.01 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसे सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया है और यह अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक है। नेवी ने इसे व्यापक रूप से परीक्षण और प्रमाणित किया है और यह बिना अतिरिक्त वजन जोड़े बम, तोप के गोले और वारहेड्स की शक्ति को काफी बढ़ा सकता है। विस्फोटक शक्ति को TNT समकक्षता के माध्यम से मापा जाता है, जिसमें उच्च संख्या अधिक शक्ति को दर्शाती है। वर्तमान में भारत में उपयोग होने वाला सबसे शक्तिशाली विस्फोटक ब्रह्मोस वारहेड में लगभग 1.50 की TNT समकक्षता रखता है। दुनिया भर के अधिकांश पारंपरिक वारहेड्स की TNT समकक्षता 1.25 और 1.30 के बीच होती है। भारत अपने निर्यात लक्ष्य को दोगुना करने की योजना बना रहा है, निर्यात सूची में और हथियार शामिल करेगा। भारत के रक्षा निर्यात ने एक नया उच्चतम स्तर छू लिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये 21,083 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है और यह भारत की रक्षा उद्योग की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2028-2029 तक 50,000 करोड़ रुपीस से अधिक मूल्य के रक्षा उपकरण निर्यात करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकार की मजबूत घरेलू रक्षा उद्योग बनाने और वैश्विक हथियार बाजार में भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रक्षा मंत्रालय MoD इस लक्ष्य की ओर काम कर रहा है और अधिक भारतीय निर्मित हथियार प्रणालियों को निर्यात सूची में शामिल कर रहा है। रक्षा निर्यात में वृद्धि न केवल एक रणनीतिक जीत है, बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक बढ़ावा भी है। ये रोजगार के अवसर पैदा करता है, तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करता है और विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। भारत और रूस S-400 ट्राइफ एयर डिफेंस सिस्टम पर ऐतिहासिक संयुक्त उद्यम समझौते के करीब। भारत और रूस S-400 ट्राइफ एयर डिफेंस सिस्टम को संयुक्त रूप से उत्पादित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता अंतिम रूप देने के करीब है। S-400 ट्राइफ एक उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो भारत की वायु रक्षा को काफी मजबूत बनाती है। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ $5.4 बिलियन में S-400 ट्राइफ सिस्टम खरीदने का समझौता किया था। हाल की रिपोर्टों के अनुसार रूस ने पहले ही भारतीय वायुसेना IAF को 3 S-400 ट्राइफ सिस्टम डिलीवर कर दिए हैं और बाकी 2 सिस्टम निर्धारित समय पर आने की उम्मीद है। भारत ने S-400 ट्राइफ सिस्टम पर प्रशिक्षण के लिए अपने सैन्य विशेषज्ञों को मास्को भी भेजा है। S-400 ट्राइफ सिस्टम भारत को दुश्मन के लड़ाकू विमान और क्रूज मिसाइलों से लंबी दूरी पर रक्षा करने में मदद करेगा, जिससे मजबूत वायु रक्षा क्षमताएं मिलेंगी। ये खरीद भारत और रूस के बीच रक्षा साझेदारी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। भारतीय सेना को मिली 35,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें। 2-2 भारत रूस शिखर सम्मेलन से पहले इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL ने सफलतापूर्वक 35,000 मेड इन इंडिया कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलें भारतीय सेना को सौंप दी हैं। ये भारत और रूस के बीच चल रहे रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की मेक इन इंडिया पहल को बल देता है। कलाश्निकोव AK-203 अलास्कर 200 सीरीज का एक आधुनिक संस्करण है, जो 7.62x39mm कार्ट्रिज के लिए निर्मित है। इसे भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। IRRPL एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें भारत की ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड, रूस की रोसबोरोनेक्स पोर्ट JSC और कलाश्निकोव समूह शामिल है, जो ROSTEC स्टेट कॉरपोरेशन की सहायक कंपनियां हैं, जो रूस के मुख्य शस्त्र, सैन्य और विशेष उपकरणों के आपूर्तिकर्ता है। 2023 में भारत की रक्षा उत्पादन ने 1.27 लाख रुपीस करोड़ का रिकॉर्ड बनाया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि 2023-24 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन लगभग 1.27 लाख रुपीस करोड़ के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने नए मील के पत्थर पार किए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य 108,684 रुपीस करोड़ था। रक्षा मंत्रालय ने कहा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वदेशी रक्षा उत्पादन में मूल्य के रूप में सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है, जो सरकार की नीतियों और पहलों के सफल कार्यान्वयन का परिणाम है। सभी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों DPSUs, अन्य PSUs जो रक्षा वस्त्रों का निर्माण करते हैं और निजी कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में रक्षा उत्पादन का मूल्य 126,887 रुपीस करोड़ के रिकॉर्ड उच्चतम आंकड़े तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की रक्षा उत्पादन की तुलना में 16.7% की वृद्धि को दर्शाता है, बयान में कहा गया।